Okay, so after diffusion, the next type is actually facilitated diffusion. Now, can you, मतलब कोई guess कर सकता है how can this facilitated diffusion be different from diffusion? What extra thing can be here? How is this diffusion different from the facilitated diffusion? क्या गिवन होंगे, एक बार रिपीट करना, व्हाट कंडीशंस? तो बच्चे वो तो डिफ्यूजन में भी हो रही हैं। मुदित, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होगा बच्चे? Can you tell me the difference between the two, diffusion and facilitated diffusion? See, facilitated diffusion में क्या होगा? सबसे पहले तो diffusion का क्या मतलब है? That means no energy is required, ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या point लिख दोगे? No energy required, ठीक है? Facilitate का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज की help करना, ठीक है, किसी चीज को सपोर्ट करना, सो दैट इज फैसिलिटेट। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब कि एक ऐसा टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच इज फैसिलिटेटेड बाय सम अदर कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम डिफाइन करते हैं, सो इट इज पैसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच इज फैसिलिटेटेड बाय सम एडिशनल कॉम्पोनेंट। सो इट इज एक्चुअली पैसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स facilitated by what? Facilitated by a special component which is, so it is facilitated by a carrier protein. So what is important in facilitated diffusion? The word carrier protein or the protein channels, आप इनको कुछ भी बोल सकते हैं, protein channels or the carrier proteins, both are the same thing, ठीक है। So what is this facilitated diffusion? सबसे पहले तो it is a type of diffusion, so you can obviously understand no energy is required in this and it is actually the passive movement of particles which is facilitated by a carrier protein. Carrier protein or it can be a protein channel, ठीक है। For example, अगर lipid bilayer का structure देखते हैं तो what happens? Suppose if it is the लिपिड बायलेयर, ठीक है, सो सपोज इफ इट इज द लिपिड बायलेयर, कैसे कैसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं लिपिड बायलेयर में? ऑन द आउटर साइड व्हाट प्रोटीन इज देयर? दैट इज नोन एज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, एंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट देयर इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, सो ये कौन सा प्रोटीन हो गया? दिस इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, एंड दिस प्रोटीन इज एक्चुअली द इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लिखा है कि कैरियर प्रोटीन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं दे आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ दीज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ओनली, ठीक है, बिकॉज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर द वंस विच कैन इजीली स्पैन थ्रू दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये लिपिड, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या करते हैं? सपोज इफ देयर इज अ मॉलिक्यूल विच हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ मॉलिक्यूल which has to be transported, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे there are certain channels which are present here, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो मुझे ये बात बताओ कि ये जो मॉलिक्यूल है इसकी कुछ तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होगी कि इसको एक कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आ पड़ी। अगर
ये नॉर्मल होता तो दिस वुड हैव इजीली पास थ्रू. तो बेसिकली व्हाट विल बी द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दैट दिस मॉलिक्यूल विल बी हाइड्रोफिलिक इन नेचर. ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है इट इज हाइड्रोफिलिक, बिकॉज अगर इफ इट वुड हैव बीन हाइड्रोफोबिक इट वुड हैव इजीली पास्ड थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट सिंस इट इज हाइड्रोफिलिक इट कैन नॉट इजिली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो इट रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ सम अदर कॉम्पोनेंट, एंड दैट अदर कॉम्पोनेंट इज एक्चुअली द कैरियर प्रोटीन. ठीक है, तो अब ये कैरियर प्रोटीन या फिर ये जो प्रोटीन चैनल है क्या करेगा कि इट विल ब्रिंग दिस मॉलिक्यूल हियर, एंड इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा यहां से इट विल ट्रांसपोर्ट इट टू द अदर एंड, एंड ये मॉलिक्यूल इधर के साइड पे आ जाएगा. ठीक है, एंड सो वॉट इज दिस, दिस इज एक्चुअली द प्रोटीन चैनल. एंड जैसे ही ये मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऑन द अदर एंड दिस प्रोटीन चैनल गेट्स क्लोज्ड. ठीक है, सो द प्रोटीन चैनल्स दे रिमेन ओनली ओपन टिल द टाइम द मॉलिक्यूल गेट्स ट्रांसपोर्टेड. एज सून एज इट ट्राइज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर एंड द प्रोटीन चैनल्स दे अगेन क्लोज. ठीक है, सो दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, अच्छा अब ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, वन कैन बी पोरिंस और द अदर कैन बी एक्वा पोरिंस. अच्छा व्हाट डू दीज पोरिंस डू, पोरिंस मतलब पोर्स. सो दीज पोरिन प्रोटीन्स दे एक्चुअली क्रिएट लार्ज पोर्स. पोर्स किस में क्रिएट करेंगे, इन द मेम्ब्रेन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनल्स. तो ये जो पोरिंस होते हैं दे आर मेनली प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड एंड सम बैक्टीरिया. ठीक है, बट अगर स्पेसिफिकली सिर्फ वॉटर का ट्रांसपोर्ट करना है तो देर आर सर्टेन प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट विच आर नोन एज द एक्वा पोरिंस. ठीक है, तो ये एक्वा मीन्स वॉटर एंड पोरिंस मीन्स पोर, सो दे एक्चुअली हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर. एंड एक्वा पोरिंस क्या करेंगे, द पार्टिकल्स जो ट्रांसपोर्ट करेंगे दे कैन बी बोथ पोलर एज वेल एज नॉन पोलर. ठीक है, एंड जो एक एक्वापोरिन होता है इट इज मेड अप ऑफ एट टाइप्स ऑफ पोर्स. ठीक है, एट टाइप्स ऑफ प्रोटीन. सो फर्स्टली नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट आई कैन राइट डाउन व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कैरियर प्रोटीन. डन, so the carriers can be of two types. One are the porins and the other are aquaporins. Second type is aquaporins.
ठीक है, सो दीज एक्वापोरिन्स दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. And the molecules can be polar and non-polar both. ठीक है, दे कैन बी पोलर एज वेल एज नॉन पोलर. सो दिस इज दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कैरियर्स, कैरियर प्रोटीन्स. एंड वन एक्वापोरिन मेड अप ऑफ एट टाइप ऑफ प्रोटीन, एट प्रोटीन्स बेसिकली, एट मॉलिक्यूल्स से बना होता है. सो दैट इज एक्वापोरिन. ओके, तो इसके बाद ये वाला टॉपिक तो यहाँ पे इज ओवर. इसके बाद में जो एक तीन सिमिलर टर्म्स आती हैं, विच आर एक्चुअली यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट. यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट. ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री टर्म्स. यूनिपोर्ट का मतलब क्या होगा? सपोज इफ दिस इज द इनसाइड एंड दिस इज द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है, सो यूनिपोर्ट मतलब कि द ट्रांसपोर्ट अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन. द ट्रांसपोर्ट अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन. ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, सो इट विल मूव इन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव करेगा. ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यूरिंग मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन. सो एग्जाम्पल कैन बी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. बेसिकली जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इट रिक्वायर्स कैल्शियम आयन. सो द कैल्शियम आयन दे आर स्टोर्ड इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो वेन एवर द कैल्शियम और द मसल कॉन्ट्रैक्शन हैज टू टेक प्लेस, द कैल्शियम आयन्स दे आर इमीडिएटली रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नो इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिपोर्ट. ठीक है, सिमपोर्ट में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ टू सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ टू सब्सटेंसेस इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, सो देर आर टू मॉलिक्यूल्स विच आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड. Suppose if this is a molecule which is A and there is a molecule which is B. So the both the molecules they are transported in one direction. ठीक है, A and B molecules they both are transported in the same direction. इसका example होगा when the sodium and glucose they are transported together in the intestine. Example, when sodium and glucose transported together in the intestine. So this is an example of symport. Okay, now what is antipode? Anti means opposite. So there is transport of two substances but in the opposite direction. Transport of two substances in opposite direction. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज प्रेजेंट ऑन दिस साइड, सो बी विल बी प्रेजेंट ऑन दिस साइड. सो
So both the molecules, they will be transported in the opposite direction. Okay, so both the molecules, they are transported in the opposite direction. So this is symport, sorry, antipode. Okay, antipode ka example aap kya likh sakte hai? You can take the example of sodium potassium pump. You must have heard about the sodium potassium pump. So for each turn, three sodium ions, they are pumped out of the cell, two potassium ions are pumped into the cell. So this is an example of antipode. So this unipod, symport and antipode, they are basically subtypes of the facilitated diffusion. Because what is this? This is actually a carrier protein. So yeah, this is a carrier protein, and this carrier protein is actually facilitating the transport of substances across the membrane. Okay? So if till now, if anyone has any doubt, तो आप कुछ पूछ सकते हैं. Clear? So now you can take a photo of this and we'll start with osmosis. Done. So the next is osmosis. Now can you tell me what is the difference between diffusion and osmosis? Ya osmosis ka simple definition bata sakte ho? What? Acha, chalo ye to ek point ho gaya. Aur basic kya definition hoga? Ye point theek hai, but it is an additional point. What is the मतलब osmosis में किसका movement होता है? How are the molecules moving? Is it the same as diffusion or it is different from diffusion? पहले मुझे आप बोलो. हाँ अच्छा, तो ये तो diffusion में भी हो रहा है, ये तो डिफ्यूजन में भी हो रहा है, तो फिर ये डिफरेंट कैसे हुआ डिफ्यूजन से? जी हाँ बोलो. वैसे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा तो अकॉर्डिंग टू यू इट रिक्वायर्स एनर्जी, देन does it require energy? Because you are saying it in this, the molecules, they move from low concentration to high concentration, so does it require energy? So ye active transport hai matlab, according to you osmosis is an active transport, is it? Yes or no? Active transport है या active transport नहीं है? See, osmosis and diffusion. सबसे पहले तो osmosis is not an active. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. अभी am I audible? थोड़ी धीरे आ रही है मैम. इज इट फाइन नाउ? नहीं मैम, अगर वॉल्यूम बढ़ा देना तो ठीक ही आ रही है. मुदित को बोलो कि वॉल्यूम बढ़ा दो. मुदित इंक्रीज योर वॉल्यूम बेटा.
ऑस्मोसिस इज एक्चुअली नॉट एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट ओनली. सो बेसिकली क्या होता है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन काइंड ऑफ सिमिलर होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्टली आई राइट डाउन द डेफिनेशन एंड देन यू विल हैव टू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ठीक है, सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर higher concentration to lower concentration across a semi-permeable membrane till it reaches equilibrium. Now by looking at the definition, can now you tell me how is it different from diffusion? Dono ka definition aapne dekha hai, diffusion and osmosis. Now can you tell me the difference between the two? Ma'am, it occurs through semi-permeable membrane. Ek aur additional difference hai. Semi-permeable membrane to chalo Mudit ne bata diya. What is one more additional difference? It is the movement of solvent particles. Solvent. Diffusion में क्या move कर रहा था? Diffusion में there was a movement of solute particles. ठीक है? But in osmosis there is a movement of solvent particles. And in majority of the cases, what do we use as a solvent? We use water as a solvent. ठीक है? तो what do we talk about? किसका movement की बात कर रहे हैं? We talk about the movement of water. We are talking about the movement of water from the higher concentration to a lower concentration across a semi-permeable membrane. This line is very important. Using this semi-permeable membrane is very important. Okay? So, across a semi-permeable membrane till it reaches equilibrium. Okay? So, suppose we take a container. And if I separate it with a semi-permeable membrane, ठीक है? इसमें there is hypotonic solution, इसमें there is hypertonic solution. Can you tell me कौन से compartment से कौन से compartment में movement होगा water का? मतलब कहां से किधर में क्या चीज कहां से कहां मूव करेगा, ए से बी या बी से ए? मैम ए से बी. मुदित मैम वो बी हाइपर लिखा है कि हाइपो लिखा है? दिस इज हाइपोटोनिक, दिस इज हाइपरटोनिक. मैम फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक. यस, व्हाई फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक? मैम उसमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम ज्यादा होगा ना. यस, hypotonic means lesser solute, the solution is more dilute. ठीक है, so hypotonic solution को आप और भी क्या बोल सकते हैं, it is dilute, whereas the hypertonic solution is the concentrated solution. So water का concentration किस में ज्यादा है, water molecules किस में ज्यादा है? The water molecules, they are more in case of hypotonic solution. So the water movement will occur from A to B. ठीक है, इसी तरह बहुत सारे तरह से यू कैन डिफाइन ऑस्मोसिस. यू कैन ऑल्सो से द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू अ हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू अक्रॉस अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, या फिर फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. ऐसे करके यू कैन राइट डाउन 3-4 डेफिनेशंस. ठीक है, अच्छा, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट आर द सिचुएशंस गोइंग टू, व्हाट आर द वेरियस सिचुएशंस व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस इन केस ऑफ द डिफरेंट सेल्स. ठीक है, सपोज इफ आई टेक अ, फर्स्टली इफ आई टेक द एनिमल सेल. ठीक है, मैंने एक एनिमल सेल लिया है एंड आई एम टेकिंग 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सो दिस सॉल्यूशन इज एक्चुअली आइसोटोनिक.
एंड दिस इज हाइपरटोनिक. ठीक है, एंड आई एम प्लेसिंग एन एनिमल सेल इन द थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. अब मुझे बताओ व्हाट विल हैपन टू दैट एनिमल सेल. I've placed an animal cell in three types of solutions, isotonic, hypotonic and hypertonic. Now tell me what is going to happen to that animal cell. What will happen in isotonic solution? No net movement. No net movement, okay. Why no net movement? Is at equilibrium point. हाँ, बिकॉज आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन इज सिमिलर बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड. तो इसमें ह्यूमंस में आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सा होता है, इट इज 0.9% NaCl इन केस ऑफ ह्यूमंस, 0.9% NaCl एंड 5% ग्लूकोज सोल्यूशन, दे आर कंसिडर्ड टू बी आइसोटोनिक. अच्छा, ये तो हो गया आइसोटोनिक. नाउ व्हाट अबाउट हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या होगा? डिफ्यूज हो जाएगा, हाइपरटोनिक में क्या होगा फिर, थर्ड वाले में क्या होगा? मैम द सेल विल, मैम जो लिक्विड होगा वो बाहर निकलेगा सेल में से. इट विल श्रिंक. श्रिंक किस में करेगा, सेकंड में या थर्ड में? हाइपरटोनिक. थर्ड में? यस मैम. जीआईजी राइट? यस मैम. सी हाइपोटोनिक में क्या होगा, मतलब वाटर का वॉल्यूम किधर ज्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है? आउटर मीडियम. बात समझ में आ रही है? तो आउटर मीडियम में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मूवमेंट किधर होगा, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. सो द वाटर और द सॉल्यूशन विल मूव इनसाइड द सेल. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, द सेल इज गोइंग टू बर्स्ट. सो वाटर, इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, एंडोस्मोसिस विल टेक प्लेस. ठीक है, सेल स्वेल्स अप एंड विल इवेंचुअली बर्स्ट. ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई अबाउट हाइपोटोनिक. बट व्हाट अबाउट हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक का मतलब वाटर कहां पे प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है. तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द सेल. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वॉटर कम्स आउट ऑफ द सेल, दैट इज द सेल श्रिंक्स. एक्सोस्मोसिस टेक्स प्लेस, वॉटर कम्स आउट ऑफ सेल. ठीक है, वॉटर कम्स आउट ऑफ सेल एंड दैट इज द सेल बिकम्स फ्लैसिड. So the cell becomes flaccid. ठीक है, cell shrink कर जाएगा. It will become flaccid and wrinkled. आप और भी कुछ ये भी लिख सकते हो, the cell becomes flaccid and wrinkled. So it will become something like this. ठीक है, so this was the case with the animal cell. अगर same चीज if I do it with the plant cell, what is going to happen? प्लांट सेल में क्या होगा मैम? बोलो. दिस इज आइसोटोनिक. प्लांट सेल में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना? क्या बोल रहे हो? प्लांट सेल में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. हां जी, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन टू द प्लांट सेल इन दीस थ्री सॉल्यूशंस. मैम सेल वॉल विल बी प्रेजेंट, सो इन isotonic solution no net movement. Hypo mein? Second mein? In hypotonic solution the cell will swell
till the cell wall and will not get burst. And third wale mein ma'am shrink ho jayega. The cell will shrink, but exhaust muscles, देखो difference क्या होगा? Because plant के पास cell wall present होता है, तो इसमें तो you can write down, खुद से लिख लेना, there's no net movement in case of isotonic. Hypotonic में क्या होगा? Endosmosis तो होगा, but the cell becomes turgid. The cell will become turgid. Why does it become turgid? Because जो cell wall होती है, कोई stiff and rigid structure है, it basically doesn't allow to change its shape. ठीक है, तो cell will become turgid. So due to the presence of cell wall, it doesn't rupture. ठीक है, cell won't rupture. ये reason अपने आप लिख लेना, because of the presence of cell wall. ठीक है, hypertonic में क्या होगा? Exhaust mosses होगा, where also cell becomes flaccid, but again completely burst नहीं होगा, cell will become flaccid. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, एक सिमिलर फिनोमिनन होता है प्लाज्मोलिसिस का, वो बता सकते हो? व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? पहले तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन आई विल स्टार्ट विद प्लाज्मोलिसिस. Ma'am, your screen is done. Yes, ma'am. Plasmolysis हम पहले भी उसमें कर चुके हैं, cell structural and functional unit of life में, तो यहाँ पे फटाफट से quickly we'll just do that. See, अगर किसी plant cell को आप if you place any plant cell in hypertonic medium, ठीक है, तो किसी plant cell को if you place it in the hypertonic medium, what will happen to that cell? So सबसे पहले plant में क्या present होता है? There's a vacuole which is present, ठीक है, तो exosmosis होगा, firstly तो exosmosis होगा, so exosmosis takes place. So exosmosis takes place, इसकी वजह से क्या होगा? Water will start moving out of the vacuole. This is actually vacuole. ठीक है, तो जब इससे vacuole से पानी बाहर निकलने लगेगा, what will happen after some time? और जो cytoplasmic contents होंगे, they will come to one end. See, cell wall as it is है, तो cell wall कभी भी cell wall के structure कभी disrupt नहीं होगी. ठीक है, तो वैक्यूल से पानी सारा निकल गया, नाउ ऑल दिस एल्यूलर कॉन्टेंट्स दे कम एंड लाई एट वन पर्टिकुलर एंड एंड द वैक्यूल साइज बिकम वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर. ठीक है, सो दिस सेल इज नोन एज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल. ठीक है, वैक्यूल, दिस इज द वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्मिक contents come to one end. ठीक है, so the cytoplasmic contents come to one end, but if you place this plasmolyzed cell again placed in fresh water, fresh water में इसमें क्या होगा? The cell is going to regain its shape. Regain its shape because this plasmolyzed cell will again change into the original cell. तो उसके वजह से क्या होगा? Endosmosis will take place now. तो ये जो vacuole यहाँ पे इतना छोटा सा था, उसके वजह से क्या होगा? Now this it will start taking water in and now it will regain its original shape. So यहाँ पे endosmosis takes place and eventually what will it look like? The original cell. ठीक है, so this is how it looks like. ठीक है, so this phenomenon, what is this known as? This is known as deplasmolysis. ठीक है,
ठीक है. सो दिस इज नोन एज डी प्लाज्मोलिसिस. सो द सेल रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज. Okay, so yeah, this is the plasmolysis and deplasmolysis. Nothing much new. So basically, if a kisi plant cell ko, if you place it in hypotonic medium, to pani kahan se lose hoga? It will take lose out from the vacuole first, and all the cytoplasmic contents they come and lie at one particular end. So if you again place that cell, plant cell in fresh water, again endosmosis will take place and the cell will regain its original size. ठीक है. सो आज हम इस ट्रांसपोर्ट ऑन प्लांट्स वाले पोर्शन में विल डू इट टिल हियर ओनली. नेक्स्ट क्लास में दैट इज टुमारो विल स्टार्ट विद अ फ्रेश टॉपिक विच इज इम्बाइबिशन. ठीक है. तो वी विल फर्दर कंटिन्यू नाउ.